नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे नए वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.3 में है हमारा। पहले हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। कोण, ठीक है, इसमें हम कोण के बारे में जो है, कोण एग्जांपल है कोण इसका, या फिर जो बर्थडे कैप होती है, बर्थडे कैप भी जो है इसका एक एग्जांपल है, ठीक है। ये हमारे पास देखिए, ये ट्रायंगल शेप में इस तरह से जो है, ये ट्रायंगल शेप में, ट्रायंगल शेप में आप देखिए, इसमें ये परपेंडिकुलर जो है, देखिए परपेंडिकुलर शेप में इसको जब हम क्या करते हैं, घुमाएंगे, देखिए इस तरह से। तो जैसे हम परपेंडिकुलर शेप में घुमाएंगे ऐसे, तो ये ऐसे जो है क्या बनेगा आपका, ये देखिए परपेंडिकुलर शेप में ये जो है आपका जो है हाइट के अकॉर्डिंग, हाइट के अलोंग विद अगर जो है इसको क्या करते हैं, राउंड शेप में घुमाते हैं, तो ये के जो है ये शेप मिलती है, जिसको राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। राइट सर्कुलर कोन क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये जो है इसकी परपेंडिकुलर जो है हाइट हो गई ये, और ये इसकी रेडियस होगी, ये रेडियस है, ठीक है। ये इसकी क्या होगा, स्लैंट हाइट होगी, एल बोलते हैं स्लैंट हाइट, स्लैंट एसएलएन स्लैंट हाइट, और ये जो है इसकी क्या होगी, हाइट होगी, ये हाइट है, हाइट को एच से डिनोट करेंगे। ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, कितने का बनता है, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो ये राइट सर्कुलर एंगल जो है, ट्रायंगल बन गया ट्रायंगल शेप में, इसको ए लो, इसको ओ और इसको बी। तो पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है, पाइथागोरस थ्योरम में इसका फॉर्मूला बन जाएगा ए बी का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से आपको क्या करना है, स्लैंट हाइट निकालना है। देखिए स्लैंट हाइट इसमें आपका क्या हो गया, ये आपका ए बी स्क्वायर, ए बी है ये, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच ए बी, ए बी एल इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर, ये वाला साइड, ये परपेंडिकुलर ये वाली, ठीक है, और प्लस ओ बी स्क्वायर, व्हाट इज ए ओ, ए ओ है आपका एच, और ओ बी है आपका रेडियस आर, और ए बी है आपका एल, तो एल स्क्वायर, एल मैंने स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर एल इज इक्वल टू हो जाएगा, जब एल फाइंड करना है आपको, तो ये हो गया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट एच इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू स्लैंट हाइट एल टी है, स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और जब आपको क्या फाइंड करनी पड़ेगी, आर अगर फाइंड करनी पड़ेगी तो आप क्या करोगे, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर करोगे, ये दूसरा फाइंड हो गया। और इसी से अगर आपको कभी कभी एच ये वाले हाइट, ठीक है, ये देखो ये सीधी हाइट है, ये देखो ये वाले हाइट, ठीक है, ये एच हो गई, ये स्लैंट हाइट होगी, और ये रेडियस इसमें जो है ये क्या होता है, सर्कुलर शेप में होता है, तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे ही आपको इसको क्या करते हैं, इसको हाइट के अलोंग विथ क्या करते हैं, राउंड शेप में घुमाते हैं, इसको राउंड करते हैं, तो क्या होता है, घुमाने पर ये देखिए, ये आपका राउंड शेप में अगर हम घुमाएंगे इसको, तो राउंड शेप में घुमाने पर क्या हो जाएगा, ये वाला जो है आपका कोन बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, कोन बन जाएगा, ये शेप में है ऐसे इस तरह से, और ये इस तरह से, और जैसे आप इसको घुमाएंगे तो घुमाने पर ये जो है इस तरह बनेगा, ठीक है, और ये इस तरह से, ठीक है। तो ये इसकी एच होगी, ये एल होगी, और ये रेडियस होगी, यहां से आप ये रेडियस हो गई, ठीक है। तो ये इसका एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू
एल स्क्वायर अंडर रूल ऑफ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, एच लिंग फाइंड करनी होती है तो अंडर रूल ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब हमें एक एक्टिविटी करनी है, एक एक्टिविटी क्या करनी है, उसमें एक्टिविटी में इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, किसका, कोन का। तो हम क्या करेंगे, एक इस तरह से एक कोन में, ये देखिए एक कोन है हमारे पास। अब इसको क्या करेंगे, हम इस कोन को बीच से जो है क्या करते हैं, कट करते हैं। तो ये कट कर गया हमने, ये देखिए इसको क्या कर रहे हैं, कट करेंगे इससे, ये कट करें, ये कट करें, ठीक है, ये कट करा है इसके साइड से ही, बीच से कट करते हैं, ठीक है। तो ये जो कट करने पर क्या होगा, आपका इस तरह बनेगा ये, इस तरह से ये कोण को आप क्या करते हैं, कट करते हैं शेप में। तो ये इस तरह से आपका, ठीक है, इसको आपने क्या लिखा, ए लिखा, इसको इसको बी लिखा, ठीक है। तो यहां पर ए ओ बी, ठीक है। अब ये इसका क्या हो गया, सिलेंट टाइट होगी ये वाली, तो लेट ये सिलेंट टाइट होगी इसकी। यहां पर बी वन लिखिया बेस, बी टू, बी थ्री, बी थ्री, बी फोर, इस तरह से 100 पीसेज आप कट करते हैं इस तरह से, ठीक है ना। ये बी टू हो गया, ये बी थ्री हो गया, बी फोर हो गया, ठीक है। ये यहां पर क्या चीज है, ये यहां पर सामने से इस पर परपेंडिकुलर, तो ये जो है इसका क्या होगी, एल होगी, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से इसका 100 पीसेस, तो ये पाई आर एल, इस पर क्या निकालना, कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। देखिए वो क्या करेंगे हम, इसमें क्या होता है, ये जो है लेट, ये वन ए जो है वन डिवाइड टू, ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल शेप में, कौन सा ट्रायंगल शेप में, लेट हम इसको ये ले लेते हैं आप, ये देखो ये वाला, ये वाली साइड लिया आपने, ठीक है, ये वाली। तो ये इसका आर हो गया, ये एल हो गई, ठीक है। तो ये जो है रेडियस में क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू, ये बी हो गई, बी वन, ये वाली हमने बेस बी वन, तो यहां पर हो गया बेस बी, बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है, ठीक है। तो ये चलता रहेगा बेस इंटू हाइट, देखो बेस इंटू हाइट, 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 ठीक है। बेस बी वन है इंटू हाइट प्लस वन डिवाइड टू बेस इंटू हाइट, अब हाइट की जगह यहाँ एल लिखेंगे हम, हाइट की जगह क्या लिखेंगे, एल, फिर इंटू बेस बी टू मल्टीप्लाई हाइट एल, फिर प्लस वन अपॉन टू बेस क्या है बी थ्री, हाइट क्या है एल, एल ही आएगा, एल ही है सब जगह हाइट, हाइट की जगह हमें एल लेनी है, प्लस बी फोर बेस वन अपॉन टू बेस इंटू हाइट, हाइट इज इक्वल टू एल लिया, डैश 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 100 तक करके चल जाएंगे। अब वन अपॉन टू कॉमन लेंगे, वन अपॉन टू कॉमन लिया, एल कॉमन लिया, अंदर रहेगा बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री प्लस बी फोर डैश 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 डैश, ये देखिए बी वन ये हो गया बेस, बी टू बेस इसका, बी थ्री बेस इसका, बी फोर बेस इसका, बी फाइव, बी सिक्स, बी सेवन, शो ऑन, चलते जाएंगे। आप देखिए ये जो है एक सर्किल है, सर्कमफेरेंसेस बन रहा है, ये वन अपॉन टू क्या बन रहा है, सर्कमफेरेंसेस बन रहा है, ठीक है। तो ये बन रहा है आपका वन अपॉन टू हो गया, ये वन अपॉन टू, बी जो है एल हो गया। अब ये सर्कम, ये टोटल बी वन बी टू माइनस बी टू, ये सर्कमफेरेंसेस ऑफ सर्किल हो गया, क्या हो गया, सर्कमफेरेंसेस ऑफ सर्किल। अब सर्कमफेरेंसेस ऑफ सर्किल हो गया, वो क्या होता है, टू पाई आर होता है, टू पाई आर, ये कैंसिल हो गया टू से टू, ये हो जाएगा आपका पाई आर एल। तो सर्कमफेरेंसेस ऑफ कोन होता है पाई आर एल, सर्कमफेरेंसेस ऑफ कोन क्या हो गया आपका पाई आर एल, ठीक है। ये हमने देखिए, एक हमने क्या लिया, कोन लिया, और कोन को क्या किया हमने,
बी शेप में ये जो है करियर क्या करा है, इसको इसको कट कर दिया इससे इधर से, ठीक है। कट करने पर इसके बहुत सारे इस तरह का फिगर बनता है, ये ए है, ये ओ है और ये बी है, इस तरह से। यहाँ पर ये बेस है, ये बेस बी वन है, बी टू है, बी थ्री, बी फोर, बी फाइव। सी एस ऑफ कोन इज इक्वल वन अपॉन टू। हमने क्या किया, ट्राइंगल शेप में, ट्राइंगल में क्या होता है, ट्राइंगल में आपका ये ए बी, बी है ये और ये मान लीजिए हमने डी लिया, ये डी है। तो यहाँ पर क्या होता है, ट्राइंगल शेप में जो है क्या है, ये ट्राइंगल वन अपॉन टू बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है, ठीक है। तो बेस हमने इसको हाइट मान जो है इसको हाइट लिया हमने, इसका हाइट एल लिया हमने, हाइट को क्या लिया एल, ठीक है। एल जहां पर है तो वन अपॉन टू बेस मल्टीप्लाई एल, वन अपॉन टू बी टू मल्टीप्लाई एल, वन अपॉन टू बी थ्री मल्टीप्लाई, वन अपॉन टू बी फोर मल्टीप्लाई एल, वन अपॉन टू एल कॉमन लिया, बी वन बी टू बी थ्री बी फोर बी फाइव बी सिक्स, इस तरह से चलते जाते हैं। फिर आपका क्या करेंगे, बी वन बी टू बी थ्री क्या हो गया, ये एक सर्किल का जो है सर्कमफेरेंसेस है, सर्कमफेरेंसेस ऑफ सर्किल इज इक्वल होता है टू पाई आर, टू से टू कैंसिल, तो सी एस ए ऑफ कोन इज इक्वल हो जाएगा पाई आर एल, सी एस ए ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल, ठीक है। सी एस ए ऑफ कोन पाई आर एल हो गया। अब हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। देखिए ये देखिए टोटल सरफेस ऑफ कोन, इस कोन को आप क्या करेंगे, इसको क्लोज आ भैया बिल्कुल क्लोज कर लीजिए, बंद कर लीजिए, ठीक है। ये बंद कर लिया आपने, ठीक है। टोटल जो है सरफेस ऑफ कोन, ये इसकी क्या होगी, ये इसकी हाइट हो गई, ये इसकी एल हो गई, ये इसकी रेडियस हो गई, ये रेडियस हो गई, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया दूसरा फॉर्मूला है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो गया, ये वाला है, पहला सी एस ए निकालना है, इसका सी एस ए, इसका क्या होगा सी एस ए, ये जो आपके पास कोन शेप में है सी एस ए ऑफ कोन, सी एस ए ऑफ कोन प्लस बेस एरिया, बेस क्या है सर्किल है, बेस क्या है सर्कुलर है बेस, ठीक है। तो बेस है सर्किल, ठीक है। तो ये सी एस ए क्या होता है पाई आर एल, और ये बेस एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन ले लिया, एल प्लस आर रहेगा, यही टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या करेंगे आप, बेस एरिया देखिए सी एस ए ऑफ कोन है, ये सी एस एफ कोन है प्लस बेस एरिया, सी एस एफ कोन क्या होता है पाई आर एल, और बेस एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, यू हैव टू टेक पाई आर कॉमन लेना है, तो एल प्लस आर हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर ब्रैकेट स्टार्ट एल प्लस आर होता है, और ये ही दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। ये दो तीन फॉर्मूले हो गए, हमने क्या क्या फॉर्मूले देखे, सिलेंट हाइट वाला फॉर्मूला एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और वाला बहुत तीन चार फॉर्मूले और टी एस ए और कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल प्लस आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। देखिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 13.3, एज्यूम पाई इज इक्वल टू पाई, एक्सरसाइज है 13.3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें लिखा है एज्यूम पाई इज इक्वल टू 22/7 यूज करना है आपको, ठीक है। पाई इज इक्वल 22/7, देखिए लिखा है डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन, देखिए डायमीटर गिवन है बेस, देखिए कोन है ये कोन है, इसमें ये डायमीटर गिवन है, डायमीटर कितना है, डायमीटर इज इक्वल टू है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और सिलेंट हाइट 10 सेंटीमीटर है, ये सिलेंट हाइट है और ये इसकी मेन हाइट है, ठीक है। तो ये
ए ओ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, देखिए फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रेडियस फाइंड करना है। रेडियस इज इक्वल टू डी अपॉन टू होता है, रेडियस इज इक्वल टू डी अपॉन टू। डी अपॉन टू है, स्लैंट हाइट आपकी 10 है, स्लैंट हाइट डी अपॉन टू, डी अपॉन टू 10.5 अपॉन टू, ठीक है। अब पॉइंट क्या करना है, रिमूव करना है तो 10 नीचे आ जाएगा ये, नहीं तो ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 पॉइंट हट जाएगा तो क्या आएगा 2 × 10 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या चीज है, ये 2 × 10 = 20, ठीक है। स्लैंट हाइट कितनी है, स्लैंट हाइट है आपका 10, क्या स्लैंट हाइट क्या है 10, स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर एल, व्हाट इज पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7 लिखा हुआ है ऊपर, आर की वैल्यू कितनी है, आर इज इक्वल टू है आपका 105/2 × 10 और एल इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल, ठीक है, 2 से ये 11 हो जाएगा, ठीक है, 2 से 11 है, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, 7 से कैंसिल कर सकते हो, 15 आ जाएगा ये, 7 से 15, अब 11 और 15 मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 15 × 11 5 हो गया, ये क्या हो गया 5, 6, 1 क्या हो गया, ये 165 क्या हो जाएगा, ये 1 दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 165, मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों तो क्या हो जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू हो जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हो गया। तो सबसे पहले हम क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल डायमीटर गिवन है 10.5, आर निकाला डी डिवाइड टू, 10.5/2, अब देखिए पॉइंट है तो हमने 10 नीचे लिख लिया, ठीक है, 105/2 × 10, स्लैंट हाइट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर इज इक्वल टू ये लिख दिया 105/2 × 10 और एल इज इक्वल टू 10, 10 से 10 कैंसिल, 2 से 22 कैंसिल 11 टाइम और 7 से 105 15 टाइम और 15 और 11 मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ही आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पहले का फर्स्ट का आंसर है।